कौन कौन सी फूड्स हैं जो आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं? मैम यहाँ पे जो मेन यहाँ पे हमारा है मतलब आइसक्रीम पार्लर है, उसमें आइसक्रीम की जो भी डिशेज आती है संडे हुआ या जो भी शेक्स वगैरह जो इनके जो बनते हैं टोटल हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। मॉकटेल्स वगैरह जो भी आइसक्रीम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हम कराते हैं, प्लस हमारा कैफे पोर्शन भी है। मतलब अगर आपको कोई टेस्ट आइसक्रीम के साथ अगर आपको कुछ और खाना है, जैसे आपके सैंडविचेस में या पास्ता, तो आप यहाँ पर आराम से खा सकते हैं और आपको उसका टेस्ट और ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। आप सैंडविचेस यहाँ ट्राई कर सकते हैं, ये हमारे पास जो आप नॉर्मल जो बाहर सैंडविच खाते हो उससे आपको थोड़ा सा एक टेस्ट अलग मिलेगा। तो मतलब कुछ ऐसा टेस्ट ही उसमें यूज़ कर रहे हैं? हम लोग जो हमारे सॉसेस रहते हैं ना, वो बहुत अलग है। आपको हर एक सैंडविच में एक अलग टेस्ट अलग मिलेगा आपको, और आप हर एक सैंडविच खाने के बाद आप उसको मतलब ये रहेगा कि हमारे पास वापस आना जरूर चाहिए, वो चीज़ हमारे पास रहेगा। और क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे शेक्स हैं हमारे पास, शेक जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर कोल्ड कॉफी है, जो अपने कोल्ड कॉफी शेक्स फ्राइज हैं, अपने बर्गर टी कॉफी सैंडविचेस फ्राइज मैगी प्लस पिज्ज़ा पास्ता, ये टोटल हमारे पास सब है अवेलेबल। इनका स्टार्टिंग कितने रुपीज़ से है और कहाँ पर खत्म? मैक्स अगर आप देखना चाहें कि थर्ड जो अपना बर्गर 40 रुपीज़ से बर्गर स्टार्ट है, फ्रेंच फ्राइज बर्गर और मैगी हमारी और जो सैंडविच है 40 रुपीज़ से स्टार्ट है और 110-120 तक लास्ट। पॉकेट फ्रेंडली? हाँ, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है। इसके अलावा गर्मी के लिए कुछ स्पेशल है आपके? हाँ, गर्मी के लिए है जो मेन हमारे संडेज वगैरह हैं, जो शेक्स वगैरह हैं, हम लोग आइसक्रीम बेस पे बनाते हैं। अच्छा। इसमें हम लोग जो बाहर के जो भी लिक्विड्स वगैरह जो भी अपने जो आते हैं सिरप्स वगैरह, वो बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोगों का जो बेस रहता है मेन आइसक्रीम बेस पे इस्तेमाल करते हैं कि एक आइसक्रीम का जो फ्लेवर रहे ना वो अब जैसे जो हमारा केसर पिस्ता रहता है, हम जो मेन जो यूज़ करते हैं उसमें केसर पिस्ता की मेन आइसक्रीम यूज़ करते हैं कि उसका जो टेस्ट है ना वो मेन क्या है ना, जो अपने सैरप रहते हैं उनमें वो टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाता है, तो हम मेन आइसक्रीम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और गर्मी के लिए उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है। आपको 1 मंथ हुआ है इसको स्टार्ट किए, कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है? मैम सबसे बेस्ट है मैम हमारे पास क्या, जो कस्टमर अभी जो आ रहे हैं वो हमारे पास रेगुलरली जुड़े हुए हैं, वो जो एक बार आता है वो हमारे पास रेगुलर आता है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का फीडबैक हमारे लिए जो आप नेगेटिव हो, सब बेस्ट फीडबैक है। और कस्टमर्स ने मतलब फीडबैक अच्छा दिया है? अच्छा दिया। इसके अलावा आपकी और ब्रांचेस हैं? यस मैम, हमारी 2 ब्रांचेस और हैं, एक महालक्ष्मी नगर में है और एक 54 में है। कैफे के बारे में और कुछ आप जो बताना चाहते हैं जनता को? आपके बैठने के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपको बेस्ट चीज़ चाहिए तो आपको सीटिंग प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, प्लस पूरा हमारा एयर कंडीशनर होता है कि आप आएंगे तो आपको बाहर की गर्मी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो मेन चीज़ है हमारा गर्मी में लोगों को राहत देना है, प्रॉपर आइए। और हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक्स जो भी हमारे पास शेक्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है आपको प्रॉपर उस पर और चीज़ भी हम वेराइटीज अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, अब मतलब आगे जाके और चीज़ें भी उस पर ट्राई करेंगे। एक बार अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे कैफे में ऐसा नहीं है कि अगर आप आएंगे तो आपको कुछ मतलब हर बार एक ही चीज़ दिखेगी, आप उस पर हम आपको वेराइटीज मतलब जब भी आप आए कुछ जो अपना कुछ भी जो भी नए रहते हैं वो अपन वो हम आपको ट्राई करें। सर ये जो पिज़्ज़ा है ये देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, तो इसको आपने कैसे तैयार किया और क्या क्या चीज़ें डाली है इसके अंदर? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जो मैम जो अपना बन आता है जो पिज़्ज़ा ब्रेड आता है वो अंदर थोड़ा सा जो अपना नीचे बटर लगा के थोड़ा सा नीचे जो अपना क्रिस्पी पे रखते हैं, उसके बाद मैम इसमें सॉसेस का पूरा लगा के फिर अपना वेजिटेबल्स प्लस इस पर जो अपना मॉड्यूलर चीज़ रहता है वो पूरा स्प्रेड करके फिर सॉसेस रहते हैं, फिर उसके में थोड़ा सा मसाले डालते हैं जो हमारे स्पाइसेस रहते हैं, उसको फिर मतलब ओवन में जो करते हैं उसको बेक करने के बाद मैम फिर उसको फिर क्या करा जाता है उसका हमारे जो और सॉसेस है उसका मिक्स थोड़े से जो अपने स्पाइसेस हम उसमें डाल के सब। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.